My biggest dreams to see you. Seeing you will be my pleasure, but no one is like you. 4th मार्च 2017 में मैंने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया था एंड मैंने ये सोचा था कि मैं ब्लॉग्स अपलोड करूँगा, लेकिन उस वक्त मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था एंड नहीं तो मेरे पास अच्छा डिवाइस था जिसमें मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ। वो सब मैंने पहले अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ क्या है, कैसा था, क्या नहीं। 4th सितंबर 2019 को मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था जो कि एक सिनेमैटिक वीडियो था। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे सिनेमैटिक वीडियोज बनाए, अपलोड किया, और बाकी पहले भी एंड अभी भी मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सोच के मैंने कभी वीडियो बनाए नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मेरा नाम है आदम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, कैरियर होगे। फाइनली अपने 3000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं कल यानी कि 5 जून को। मुझे पता है इससे काफ़ी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 3000 लोग इस चैनल पे जुड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक मैंने टोटल 847 वीडियोस व्लॉग्स को अपलोड किया हूं। ये व्लॉग ऐड करने के बाद हो जाएगी 848 व्लॉग, विच इज वंस अगेन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो बना के मैं हज़ारों सब्सक्राइबर्स में बढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो मेरा एम है मुझे सब्सक्राइबर्स बनाने कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए कि मेरी ऑडियंस बने, अपनी पब्लिक बने। मुझे ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं बाहर जो मुझे कहते हैं कि मैं आपकी वीडियोस देख के मुझे अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, वो मेरे लिए मैटर कहते हैं, ना कि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं। डेफिनेटली ना बाकी गर्म से आपकी सपोर्ट से अभी जैसे 3000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, अभी इंशाल्लाह ऑलरेडी वे टू गो है, इंशाल्लाह 1,01,000 सब्सक्राइबर्स, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरी ऑडियंस बने। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बना के मैं सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ। एंड सबसे बढ़िया बात, आपका भाई काफ़ी तगड़ा इन्फ्लुएंसर भी है, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ मुझसे पूछ के परचेज करते हैं, जो कि वन सेकंड वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1000 रुपये स्पेंड करना किसी और के बोलने पे, यानी कि मेरे इन्फ्लुएंस से अगर वो कोई चीज़ परचेज कर रहा है। बाकी जैसे कि हमें देखा तो मैं ऐसी कोई चीज़ प्रमोट नहीं करता जिससे कि आपको या मुझे नुकसान हो, ना ही तो मुझे किसी चीज़ की एडिक्शन है सिवाय ब्लॉग के, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आधे धीरे ऑफर्स आते रहते हैं कि ये प्रमोट कर दो, वो प्रमोट कर दो, जो कि मैं नहीं करता ऑब्वियसली, अनलेस एंड टिल वो सही हो अपनी ऑडियंस के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे वीडियो बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। अपलोड करने से पहले मैं खुद अपने ब्लॉग 2 बार देखता हूँ। अभी 3000 सब्सक्राइबर्स देखते हैं, वो जो नंबर है 3000, वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिल रही है। बहुत कुछ मैंने सोच रखा है, बहुत कुछ मुझे करना है, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखने मिल जाएगा आने वाले ब्लॉग में। सो फिलहाल द थिंग आई एम लर्निंग इज दिस स्केटबोर्ड। ये स्केटबोर्ड मैं रिसेंटली परचेज किया था, किस चीज़ से मैं इंस्टाग्राम फॉलो किया उनको पता होगा, बाकी ब्लॉग में पहली बार दिखा रहा हूँ मैं। तो भाई ये अच्छा खासा है, आईबी आई वुड से 5-6 किलो का आराम से स्केटबोर्ड हो गई। इसमें यूनिक बात ये है कि इसको जैसे मैं जो यहाँ पे इसका ट्रिगर है इसको मैं ऐसे ऊपर पुल करूँगा, ये काइंड ऑफ स्टैंड बन जाता है, जो कि ऑब्वियसली मेरी हाइट के हिसाब से बहुत छोटा, बट स्टिल भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वही अभी मैं सीख रहा हूँ। अभी बीच में जैसे आपको पता होगा मेरी फिटनेस जब भी चालू हुई थी, जो कि मेरे नी के जो बैंड बजी थी उसकी वजह से मैं छूट गया था, एंड अभी भी जो मेरा नी है वो 99.99% ठीक हो चुका है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे मेरे पास ये सीखने के लिए कोई जगह नहीं है, एंड बार अगर मैं कहीं चाहता भी हूँ बिना सीखे भी ऑब्वियसली ये चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखने में ऐसा लगता है वीडियोस वगैरह में कि भाई हाँ मस्त है चला सकते हैं, लेकिन भाई जब आप इसको प्रैक्टिकल में एक्चुअल में चलाओगे तब जो बैंड बजती है ना, लेकिन मैं ये मैं इंशाल्लाह सीखूंगा। इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक परचेज करूंगा इन फ्यूचर। अपने आसपास जो ग्राउंड है उसमें भी इतनी कोई जगह नहीं है, है तो भी मिट्टी है थोड़ी बहुत जिसमें ये चलने पाएगा, ऑब्वियसली ऑफ रोड के लिए तो है ही नहीं, जो भी है जैसे भी इसको मैं डेफिनेटली सीखूंगा। एंड फिर मस्त इसके भी अपन ट्रैवल वगैरह करेंगे, मैं साथ में मैं कैरी करूँगा हर जगह। चाचा बोला वॉन्ट बिलीव, आज सुबह जो मस्त बारिश आई थी, लेकिन फिर दिन भर जो कड़क धूप निकली, अभी शाम के जो 7 बजे रहे अभी भी अच्छा खासा गर्म लग रहा है। वैसे फोरकास्ट में पिछले एक हफ्ते का पूरा बारिश ही दिखा रहा है, नाउ लेट्स सी। वैसे अगर देखा जाए तो 1 जून से बारिश शुरू हो जाती है, अभी देखते हैं प्रॉपर बारिश यहाँ पे अभी कब तक शुरू होती है। राइट, जुम्मन वाला गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे, अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं, नो बारिश के आसार, लग रहा था कि बारिश आएगी सुबह सुबह लेकिन नहीं आई। एनीवेज अभी आपके से मैं थोड़ी देर के लिए नींद खींचता हूँ क्योंकि रात को मैं लेट से था, एंड अभी मस्त सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद मस्त नींद आ रही है, तो मिलता हूँ आपको एक कुछ सेकंड बाद। बड़े कोई टाइम के बाद मैं एक्शन गया, मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे लास्ट जुम्मन मैंने किया था, एंड जैसा आपको पता है ईद उल अजहा भी आने वाला है माशाल्लाह से, अभी 16 तारीख को सऊदी में अनाउंस किया गया है कि वहाँ पे ईद उल अजहा होगी। तो वही वैसे भी निकल चुके हैं जुम्मा की नमाज के लिए, पहली सर में आपका भाई जगह फिक्स है, वैसे अभी आफ्टरनून के जो 12 बजने वाले, और मुंबई की जोश से गर्मी सबसे आपको मैं कोई बड़े समय के बाद ये दिखा रहा हूँ, ये देखें माशाल्लाह।
एसी का असर सिर्फ बिल्डिंग में आने तक ही रहता है, उसके बाद जो गर्म लगता है भाई हाँ। ताकि रमजान से लेके आज तक मैं सारी के में जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ाऊँ। अभी अल्लाह से दुआ ये है जल्द से जल्द बारिश हो ताकि गर्मी से अपने को थोड़ी राहत मिले। एज यूजुअल मुंबई की बारिश आपको पता है भाई, फुल ऑन क्रेजी सीन होता है, मस्त कोजी कोजी माहौल होता है, मस्त मिट्टी खुशबू आती है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है ईद उल अज़हा की नमाज के वक्त फुल फ्लैश में बारिश आ रही होगी, जैसे कि लास्ट टाइम आज ऐसे ऐसा हुआ था। उम्मीद है मस्जिद के सहन में हम नमाज अदा कर रहे थे, फुल बारिश आ रही थी, मस्त माहौल बना था, देखते इस बार ऐसा होता है कि नहीं। आप सभी का दिल से शुक्रिया जिसकी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह प्यार के बरसात आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी करो। इसी के साथ साथ इस व्लॉग को मैं कहता हूँ ये भी समाप्त, अभी तो सिर्फ 3,000 हो, अभी वे टू गो है इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग इस वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी फॉर मोर अपडेट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डेली गिवअप, तब को बजे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। I wanna say alhamdulillah, God give me everything, आई नो डेट काफ़ी लोग न्यू है इस चैनल पे एंड आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो माई नेम इज़ आज़म एंड आई डू मेक व्लॉग एंड दोज वीडियोज जो मुझे लगता है आपके साथ मैं शेयर करूँ, तो यस मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट माई चैनल, इट्स माई जर्नी विथ यू गाइज, तो यस मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो।